अब जो भी अंदर से निकले, लेकिन इसी से हम लोग नहाते धोवाते हैं और नीचे जा कर के इसी के बगल में डाड़ी जैसा खोद दिए हैं, उसी पानी पीते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाते हैं तो हम लोग कैसे आते जाते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए इस रास्ता का समस्या। अगर मान लीजिए पहले जैसा आप अभी भी समय है कि कोई खटिया से आदमी को बैठा कर बांध कर ढो के चलिएगा तब जा सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आज हम आपको रांची नगर निगम, झारखंड की जो राजधानी है, उसके नगर निगम क्षेत्र में एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिनकी ज़मीन पर कभी HEC बसा था, आज उन्हीं की ज़मीन पर स्मार्ट सिटी बस रहा है, लेकिन वो आज भी नाले के पानी पीने को मजबूर हैं। आपकी और हमारी नज़र में भले ये नाला हो तो HEC से निकलता हो, लेकिन ये उनके लिए निवाला है। और इसी रास्ते से होकर बस्ती के तमाम लोग, करीबन 350 घर ऐसे हैं जो लोग आते हैं और वो यहीं नहाते हैं, यहीं कपड़ा धोते हैं और इसी पानी को पीते हैं। दरअसल ये सारा वो वेस्ट है जहां HEC के अफसर, सेक्रेटेरिएट के अफसर या तो कभी अपना नाक साफ करते होंगे, चेहरा को धोते होंगे या जूठी चाय की केतली को धोते होंगे, लेकिन उस पानी के बाद ये पानी घूम फिर कर यहाँ आ जाता है। और यहाँ आने के बाद यहाँ लोग इसी तरीके से उसको पीते खाते हैं। आप लोग इसी से नहाए हैं, इसी नाला से? हाँ, इसी नाला से नहाते हैं। तो मतलब और कोई साधन नहीं है? HEC का ही तो बहा हुआ नाला है। ये तो HEC का बहा वाला नाला है। तो हम लोग अभी उधर से आ रहे हैं तो रोड भी ख़राब है और हम लोग जा रहे हैं अभी डैम नहाने। हम लोग यहीं पे नहाते हैं और यहीं का पानी लेके पीते हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? हम TBS जगन्नाथपुर TBS स्कूल में जाते हैं। तो बस्ती का सब लोग आता है यहाँ पर? हाँ। कितना आदमी होगा करीबन बस्ती यहाँ? तो दोनों बस्ती मिला के वो तो नहीं जब बता सकते हैं। कितना घर होगा? घर यहाँ तो 90 आसपास होगा। हाँ। ये बस्ती में? और उस बस्ती में पता नहीं, वो बस्ती तो नाला का पानी है ना। हाँ। तो कभी आप लोग वार्ड पार्षद का विधायक को नहीं बोले? पता नहीं, हम लोग तो नहीं। तो यही रोड पार करके जाना पड़ता है आप लोग? हाँ, बहुत दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में। तो कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे जाएगा यहाँ? पानी में घुस के पार होना पड़ता है, बहुत पानी रहता है बरसात का दिन में, ज़्यादा पानी यहाँ से, गंदा पानी आता है। कभी कोई नहीं देखा? नेता लोग आता है कभी इधर? नहीं आया है। हा? नहीं आया है। क्या बस्ती का नाम क्या है? ये है थेथर टोली। थेथर टोली। और उधर? उधर डीपा टोली और गाढ़ा टोली है। दीपा टोली और गढ़ा टोली और थेथर टोली। हाँ। बर्तन धोने आई है नहीं वहाँ? हाँ, यही बर्तन धोना, नहाना, कपड़ा धोना सब कुछ होता है। देखिए, ये आपकी और हमारी नज़र में भले ही नाला हो, लेकिन देख यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये नाला नहीं है जनाब, ये निवाला है। गरीबों का निवाला कुछ ऐसा ही होता है। अभी हमको भी इसी रास्ते से होकर जाना है, चूँकि हम स्टोरी कवर करने आए थे। ये रास्ता पार करके ही आप बस्ती में जा सकते। आप सोच लीजिए कि क्या हाल और हर्ष है इस जगह का। क्या नाम हुआ आपका? ग्रामीण लोहार। ग्रामीण लोहार? हाँ। तो आप हर दिन इसी रास्ता से आते जाते? बस आज नहीं, कम से कम तो 40 साल से ही रास्ता से गुजर रहे हैं। सब यही नाला का पानी पीता और नहाता धोता? हाँ, जो नीचे गए हैं ना तो यही नाला का पानी बगल में अथी डाड़ी जैसा खोद दिए हैं। अच्छा। जड़ तालाब के नीचे, और वही पानी पीते, कहाँ पीने जाए। तो आप लोग विधायक, मंत्री, वार्ड पार्षद, ये सबको कभी नहीं बोले कि रोड बना दीजिए, पीने का पानी का व्यवस्था कर दीजिए, कम से कम चापाकली दे दीजिए सब के घर में? सब कुछ कह के गुजर गए। नवीन जायसवाल को भी बोले, उनका अमचा चमचा आते हैं, हाँ हाँ करते, जब वोट पहुँचता है तो सब लोग मतलब
मजबूरी बताते हैं, अभी कोई देखने नहीं आता। अच्छा, इधर हटिया पड़ता है, इधर खिजरी? हाँ, उधर खिजरी पड़ता है, इधर हटिया पड़ता है। दोनों विधायक को एक दिन ले आइए, यहीं का पानी पिलाइए, क्या दिक्कत है? बोलिएगा हम लोग जो पीते वही पिला रहे हैं, इसमें क्या बुरा भी नहीं मानेंगे? बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन गरीब का बात कौन सुनने वाला है? आप कहिएगा कुछ तो कहीं ना कहीं बात को टाल देते हैं। कौन विधायक ने आके देख कर गए, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ सुधार हुआ? जब वोट पहुँचते हैं तो ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। रातू के लाल साहब भी थे, विधायक को भी आके देख गए हैं, लेकिन अभी सोचे उसके डेट आज कितना दिन हो गया, लेकिन कोई विधायक ऐसा नहीं है कि हम इन लोग का कोई व्यवस्था कुछ नहीं कर दिया। सालों भर इतना पानी आता है इसमें कि गर्मी में कम होता? गर्मी में कम होता, अभी बरसात के चलते इतना पानी आ रहा है। सब तो HEC सेक्रेटेरिएट से जो बह रहा है वही नाला है ना? हाँ, वही नाला है, HEC का पानी है। उसमें जूठा उठा करता होगा? अब जो भी अंदर से निकले, लेकिन इसी से हम लोग नहाते धोवाते हैं, और नीचे जा कर के इसी के बगल में डाड़ी जैसा खोद दिए हैं, उसी पानी पीते हैं। देखिए हर वो शख्स इस रास्ते से होकर आता जाता है, और ये आम दिनचर्या का हिस्सा है। अभी बरसात में हम लोग किसी का तबीयत खराब हो जाते हैं तो हम लोग कैसे आते जाते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। इस रास्ता का समस्या, अगर मान लीजिए पहले जैसा आप अभी भी समय है कि कोई खटिया से आदमी को बैठा कर बांध कर ढो के चलिएगा तब जा सकते हैं। गाड़ी आने जाने लायक रास्ते नहीं है, आप बेमरिया के तब पैदल नहीं ले चलिएगा। ये वाला आपका ऊपर हटिया तक गया है ये रोड, उधर तो रेलवे छेक दिया है, लेकिन वहाँ तक का सब आदमी का इधर ही आना जाना। ईश्वर करे जब तक हमारे नेता जगे नहीं तब तक इस नाले में ऐसे ही पानी आता रहे, कम से कम इनके पीने नहाने और कपड़ा धोने बर्तन धोने के लिए काम तो आ रहा है। पर सोचिएगा कि जिनकी जमीन पर विस्थापन का दर्द इनसे अच्छा कौन जान सकता है, जिनकी जमीन पर HEC बना, जिनके पुरखों ने अपनी दान दी जमीन को, अधिग्रहण हुआ उनकी जमीन को, आज उस पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन उससे विस्थापित हुए लोगों का दर्द जानने के लिए कोई नहीं आता है, यहाँ जबकि बगल में आधा किलोमीटर की दूरी पर लगभग मुख्यमंत्री का सचिवालय है, HEC इतना बड़ा फैक्ट्री, बगल में स्मार्ट सिटी और तमाम हजारों की संख्या में लोगों की भीड़। किसी की नज़र में पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हो सकते हैं, किसी की नज़र में मोदी, तो किसी की नज़र में हेमंत सोरेन, तो किसी की नज़र में आशा लकड़ा दोषी हो सकती हैं। इस विवाद में हम नहीं आपको डालना चाहेंगे, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, इस बहस के चक्कर में पड़कर आप और हम अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। आप भी दोषी उतने ही हैं जितना हम हैं, वो हर इंसान दोषी है जो ये समझता है कि वोट के लिए इतना लाने से जीत हो जाएगा, बाकी बचे जो वोट हैं उससे क्या मतलब है। वो जो हर कोई सोचता है कि हमको दूसरे से क्या मतलब है, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं, यही है इस गांव की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको किसी दूसरे गांव में ले चलेंगे। हमारा ये सीरीज चल रहा है, पहले हम राजधानी के जो राजधानी में गांव है, जो राजधानी से सटा हुआ इलाका है, जहां ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जीने के लिए, वहां का आपका दिखा रहे हैं। अगली बार कहीं और की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in